जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया हूँ और एक शानदार लाइव डिस्कशन यहाँ पे करने वाला हूँ। दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं, कॉल इनपुट सिंपली 5 मिनट में मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। लाइव मार्केट चल रही है और आपको यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से कैसे अपने माइंडसेट के हिसाब से कैसे एंट्री को डिफाइन करें। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो टोटली ऑल ओवर ट्रेंड था अपसाइड में था, मॉर्निंग से मार्केट में अपसाइड ट्रेड था। निफ्टी में देखेंगे उसमें भी अपसाइड में डेली बेसिस पे ऑल ओवर ट्रेंड बुलिश था। बैंक निफ्टी सुबह ओपन हुई तो बहुत ही चौपी चली, फिर क्लोजिंग प्राइस से टर्न लिया और इसने एक हायर हाई बनाई। ऊपर डायरेक्ट स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं थे तो ये प्राइस एक्शन इस तरह से बना था कि एक स्विंग लेता फिर इस तरीके से ऊपर जा सकता था, लेकिन फिलहाल मार्केट में ऐसा नहीं किया। जब ये हायर हाई से गिरा है तो सीधे जहां से मार्केट गया था उसी लेवल पे अभी व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कैसे मिलेगी, वो चीज़ को यहाँ पे सोचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के बिहेवियर के हिसाब से मार्केट देखिए 280 पे था पुट और सीधे सीधे गिरा है नीचे, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट ऊपर गई है। अब यहाँ पर जो मार्केट का बिहेवियर है वो आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम हो चुका है। अब यहाँ पे मार्केट इस वाले लेवल का यानी कि पीओट का सपोर्ट लेकर के हो सकता है कि अपसाइड में व्यवहार करे, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का रिजेक्शन लिया है तो डाउन साइड में एक नीचे की तरफ यहाँ पे व्यवहार कर सकता है। तो एंट्री की अगर हम बात करें करेंट टाइम में, तो करेंट टाइम में यहाँ पर मुझे अगर करना हो तो बाई साइड का हम यहाँ पे छोटा सा प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे पीओट पॉइंट है। पीओट पॉइंट एक स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, हो सकता है यहाँ पे अपर साइड में मोमेंटम करे, क्योंकि ये साइकोलॉजी ये है कि जो बायर यहाँ पे आए होंगे वो सारा स्टॉप लॉस दे दिए होंगे, तो इसलिए मार्केट जो है तो डायरेक्ट अब नीचे हो सकता ना जाए और यहीं से टर्न हो जाए। तो ये चीज़ है। और इधर आप पुट में देखिए तो पुट में एक रिजेक्शन भी ले चुका है, तो देखते हैं क्या होगा और जो कुछ होगा तो यहाँ पे हम एंट्री लेकर के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए पुट में क्या सीन है कि मार्केट इस लेवल को अभी रिस्पेक्ट कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन के अभी नीचे गया नहीं है और यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट था जो कि आप देख सकते हो। इसी तरीके से आप कॉल में देख सकते हो तो कॉल में मार्केट पिवोट से सपोर्ट लेके अपसाइड में जाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी दोनों साइड होती हैं कि कोई भी लेवल हो, किसी भी लेवल पे जाके मार्केट या तो सपोर्ट लेगी या तो वहाँ पे फेल हो जाएगी, 50-50% चांस होते हैं। लेकिन ऑल ओवर जो बाकी साइकोलॉजी है वो ध्यान में रख करके आपको यहाँ पे समझना होगा कि बाकी साइकोलॉजी क्या है, उसके हिसाब से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो बाकी साइकोलॉजी यही है कि ऑल ओवर जो ट्रेंड था वो तो बुलिश था और यहाँ से मार्केट चूंकि यहाँ पे आई है तो बायर अब इसमें बचे नहीं होंगे, क्योंकि इतनी गिरने के बाद में जो भी इस कैंडल में जितने भी बायर आए होंगे उन्होंने प्रॉफिट कुछ ने बुक किया होगा, कुछ ने लॉस, लेकिन सब निकल गए होंगे। और ऐसे सिचुएशन में सेलर यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनको हो सकता लगता होगा कि इस लोअर लो को तोड़े, तो तोड़ भी सकता है, लेकिन अगर ये पिवोट पे सपोर्ट लेगा तो मार्केट यहाँ पे अपसाइड का भी मोमेंटम कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर हमें यहाँ पे बाय करना है, मान लीजिए कि अगर हम बाय साइड में प्लान करते हैं तो हमें यहीं कहीं पे ये बढ़िया प्राइस है 72-73 का चल रहा कर लेना चाहिए और 160 का स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। और अगर अभी यहाँ से ये इसको ब्रेक किया तो हमारी एंट्री हो जाएगी 90 पे, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस बनेगा और बाय साइड में चांस यहाँ पे दिख तो रहा है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक बाय कर लेते हैं, प्राइस हमें ठीक ठाक मिल रहा है तो यहाँ पे हमने पोजीशन एक कर ली है बाय। अब देखिए रीज़न क्या है कि आपको मैं समझा रहा हूँ, और यहाँ पे पीओट, पीओट के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, आप पीओट के बारे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीओट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। अगर पीओट यहाँ पे नहीं होता तो शायद मैं अभी पोजीशंस को एग्जीक्यूट नहीं करता, लेकिन ये पीओट का जो सपोर्ट होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहाँ पे 170 का भाव अभी चल रहा है, 3-4 पॉइंट का प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, तो यहाँ पे मार्केट की साइकोलॉजी क्या है कि देखिए ये पीओट है और पीओट पे इसने सपोर्ट लिया, तो पीओट जो है एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लेवल का काम करता है। तो ये पीओट है और उसके नीचे 160 का, अगर ये ग्रीन कैंडल के नीचे 160 के नीचे मार्केट यहाँ पे आ जाती है तो हमें यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए, और मैक्सिमम जो हम वेट कर सकते हैं 150, इसके नीचे नहीं कर सकते। तो हमारा जो पहला स्टॉप लॉस होगा जो हमने सोचा है 160 के नीचे यानी कि 158 वगैरह हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और अगर यहाँ पे कुछ मुझे ठीक लगेगा तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस हमारा 150 का होगा, कंडीशनल है। अब अगर हम टारगेट की बात करें तो 160 से लेकर 73 यानी कि 13 गुना 26 30 पॉइंट से प्लस हमें यहाँ पे अगर टारगेट मिलता है तो हमारा लगभग इस ग्रीन कैंडल से 2 गुना आ जाएगा। 30 से 40 पॉइंट मिले तो इस बहुत अच्छी बात है, तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। तो ये पिवोट की साइकोलॉजी से हमने बनाया है और यहाँ पे हम इंतज़ार करेंगे। और स्टॉप लॉस देखिए एंट्री लेने के बाद में आपको
सोचना चाहिए कि करना क्या है। मैं ये नीचे आते हुए इसलिए एंट्री को ले लिया था क्योंकि अगर ये हाई को ब्रेक करेगा तो 80-85-90 पे अगर हमें यहाँ पे कॉल दिखेगी तो हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा 30-40 पॉइंट का। तो अगर प्रॉफिट होना है तो छोटे स्टॉप लॉस में भी हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने बाई साल को बाई साइड में एग्जीक्यूट किया है। अब यहाँ पे हमारा जैसे कि पहले वीडियो भी हमने बताया कि जब भी कोई आप कॉल को या कोई पोजीशन को ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपको दो ही चीज़ें हैं कि आपको न्यूट्रल रहना है, मतलब मुझे जो है तो न्यूट्रल रहना है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको न्यूट्रल रहना है। आपने क्या सोचा, जैसे मैंने सोचा कि 60 के नीचे आएगी तो एग्जिट करने का प्लान है, अदरवाइज 50 के नीचे तो हमें हर हाल में एग्जिट ही कर देना है। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो साइकोलॉजी है उसमें मैक्सिमम जो लॉस होगा वो 20-22 पॉइंट होगा, या यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो 10 पॉइंट का 12-13 पॉइंट का होगा। लेकिन हमारा जो टारगेट है, अब टारगेट हमारा कम से कम इसके 2 गुना होना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ पर एंट्री को डिफाइन किए हैं तो यहाँ पर इस वाले के 2 गुना अगर हम बात करें 40 पॉइंट तक हो तो अच्छी बात है, मार्केट में मोमेंटम आना शुरू हुआ है। और जो बायर सेलर की जो साइकोलॉजी है वो ये लग रही थी कि मार्केट में यहाँ पे जितने सेलर आने हैं तो आ चुके हैं, मैंने यहाँ पे लगा दिया। आप भी ऐसे ट्रेड लगाते होंगे, लेकिन एक चीज़ अब आपके माइंड में रहनी चाहिए और वो ये चीज़ है कि अब आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट में क्या होगा, आपको ऑल ओवर न्यूट्रल रहना होगा। ठीक है, ये अगर हमारे 800 प्लस में 900 प्लस में जाएगा तो यहाँ पे हमें 2 गुना अगर हमें मिल जाता है तो टारगेट यहाँ पे बुक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हमें अभी भी स्टॉप लॉस हो सकता है। ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए क्योंकि देखो ट्रेडर की गलती क्या होती है कि एक बार अगर प्रॉफिट देख लिया फिर वो क्या होता है कि पैनिक हो जाता है कि इतना मिला था तो इतना मिलना चाहिए, जबकि ट्रेडिंग की रियलिटी ये नहीं है। आपको अभी हो सकता है कि 1:1 प्रॉफिट भी दिखाए उसके बाद भी आपका स्टॉप लॉस हो जाए, तो मार्केट में अचानक से अभी पैनिक सेलिंग होगी तो ये नीचे लोअर लो को भी तोड़ देगा। तो वो चीज़ आपको माइंड में रख करके तब आपको काम करना चाहिए। और लॉजिक हमने डिफाइन कर दिया कि ट्रेंड वगैरह बुलिश था और यहीं पे ये सपोर्ट ले रहा था, तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करेंगे। तो मार्केट में जो हमने साइकोलॉजी डिफाइन की, तब देखिए क्या हो रहा है कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग ही हो रही है। जैसे इतने सेलर आए तो बायर तो बचे नहीं थे, तो ये सारे सेलर जो हैं तो ये सारे सेलर जब मार्केट अप जा रहा है तो ये एग्जिट करेंगे, इसके ऊपर और सेलर आएंगे। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे चली जाए तो मेरा जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो आ जाएगा। और जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस हंटिंग है, जैसे आपको ये आइडिया लगाना होगा भाई इस वाले कैंडल का जो सेलर है तो हो सकता है यहाँ पे बैठा होगा, उसका स्टॉप लॉस यहीं पे होगा। ठीक है, अगर इस प्राइस को वो हीट करता है तो यहाँ पे अपने एग्जीक्यूशन का एग्जिट करने का सोचना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे मैं एक बार और बोल रहा हूँ कि हर जगह इस तरह से स्विंग पे नहीं करना चाहिए, अगर यहाँ पे ये पिवोट पॉइंट की लाइन नहीं होती तो यहाँ पे हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करते। पिवोट एक सेंट्रल पॉइंट होता है, आप देख सकते हैं ये क्लोजिंग प्राइस भी है और यहाँ पे देखिए कि ये पिवोट की भी लाइन है। तो मार्केट जब भी पिवोट पे या तो रिजेक्शन फेल करेगी तो डाउन जाएगी, अगर पिवोट से सपोर्ट लेती है तो अपसाइड में मूव करेगी। दूसरी साइकोलॉजी ये थी कि यहाँ पे अभी भी यहाँ पे देखिए क्या है कि एक प्रॉब्लम दिख रही है मुझे अपने ट्रेड में, वो ये दिख रही है कि इस लेवल पे या इस लेवल पे ये सपोर्ट ले सकता है। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा तो ये हो सकता है कि पुट कॉन्टिन्यूस करे, लेकिन फिर भी हमें अपने लॉजिक से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और प्रॉपर स्टॉप लॉस या टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। तो अभी हम वेट करेंगे और इसका जो टारगेट है तो कम से कम यहाँ पे हम स्टॉप लॉस के 2 गुना रखने की कोशिश करेंगे कि हमारा 2x टारगेट आए। अगर 2x नहीं आए तो वहाँ पे लॉस बुक करने की लॉस बुक कर लेंगे। तो इस तरीके की साइकोलॉजी प्लान करनी है और मार्केट में एंट्री के बाद में आप वेट करेंगे। एंट्री प्रॉपर डिफाइन होनी चाहिए जहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी हो कि मार्केट में आपकी तरफ आपके साइड में मूव हो सकता है। दोस्तों एक चीज़ और आपको माइंड में रखनी होगी, जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे एंट्री ली तो एंट्री लेने के बाद में वो प्रॉफिट दिखाएगा, उसके बाद में लॉस भी दिखाएगा, फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखा दे। तो ये जो साइकोलॉजी लोग कहते हैं यहाँ पे साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं होती, लॉस दिखाता निकट जाते हैं, प्रॉफिट दिखाता निकट जाते हैं, तो उन लोगों से मेरा सिर्फ यही कहना है कि साइकोलॉजी इंप्रूव होगी जब आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के लिए वेट करोगे, स्टॉप लॉस लगा दोगे या स्टॉप लॉस मान लोगे कि इसके नीचे हम दे देंगे। उसके बाद दूसरा माइंड में ये रखना है कि जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है ये हमारा नहीं है, कब तक नहीं है, जब तक हम एग्जिट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जिस प्राइस पे हम एग्जिट कर देंगे वहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा वही एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस है। अभी क्या है, मार्केट में स्टॉप लॉस भी हो सकता है, टारगेट भी हो सकता है, बड़ा मोमेंटम भी मिल सकता है, या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी जो अपनी साइकोलॉजी है उस पर आपको बिलीव करना होगा और वहाँ पे स्टिल वेट करना होगा। अब यहाँ पे जैसे एक चीज़ और भी होती है, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ
कि जैसे इसने 20-22 पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट दिखाए, 500 तक ये गया, अब यहाँ पे ये लॉस दिखा रहा है। अब यहाँ पे अज्यूम करके चलिए कि अगर 500 या 1000 क्वांटिटी में आप डायरेक्ट पहले करते हैं तो यहाँ पे 20,000 प्रॉफिट दिखा करके लॉस दिखाएगा, और आप अगर फाइनेंशियल या वो सारी चीज़ों से प्रॉब्लम में हैं तो यहाँ पे आपकी माइंड साइकोलॉजी कभी इंप्रूव नहीं होगी। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे सबसे आसान तरीका है एक क्वांटिटी में, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि हमारा जाना फिक्स है, उसके बाद में हमें आना चाहिए 800-1000 रुपये, दो गुने या उससे ज़्यादा। ये दो चीज़ें आप माइंड में बैठा लिए, अब आपको यहाँ पे डर नहीं है। अगर यहाँ पे ये लॉजिक फेल हो जाता है तो आप फिर आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, और यहाँ पे जो चल रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। या तो हमारे टारगेट को अचीव करें या तो हमारे स्टॉप लॉस को तोड़ दे। हम बात करें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा भी नहीं रखना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं रखना चाहिए। लोग स्टॉप लॉस अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हम इस स्विंग के रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो मार्केट आके तुरंत हीट कर देगा और उसके बाद में फिर वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको ये सोचना है कि स्टॉप लॉस क्यों रखना चाहिए। अब यहाँ पे मैक्सिमम सेलर ट्रैप हो गए, बायर इसमें बचे नहीं थे, पिवोट का सपोर्ट था, ट्रेंड बुलिश था, तो ये सारी चीज़ें सोच करके यहाँ पे एंट्री को हमने डिफाइन किया। तो ये चीज़ बस साइकोलॉजी का मतलब यही है कि यहाँ पे इस तरीके से आपको ध्यान देना है। अब ऐसा नहीं है कि डेली प्रॉफिट होगा या डेली लॉस होगा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके को अगर मेरे इस तरीके को आप फॉलो करेंगे, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आप लॉस में नहीं रहेंगे। इसका रीज़न ये है कि आपका नुकसान जब आपका फिक्स हो जाएगा तो लॉस नहीं होगा। वजह मेन ये होती है कि नुकसान आदमी का फिक्स नहीं होता है, वही रिटेल इन्वेस्टर जो है प्रॉब्लम में रहते हैं। आज 5,000 का लॉस हुआ, कल 25,000 का हो गया, फिर 20,000 का हो गया, तो ये जो है तो ये नहीं चलेगा। इसमें आपको लॉस को फिक्स कर लेना, ठीक है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 500 रुपये लॉस दे रहे हैं तो एक हफ्ते में हमारा जो है तो टोटल 2,500 लॉस होगा, ठीक है। पाँचों दिन तो लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे दो दिन सही हो पाए तो हो सकता है कि दो या तीन एंट्री में हमारा 2,500 कवर हो जाए। तो ऑल ओवर प्रॉफिटेबल बनने के लिए दो चीज़ें ज़्यादा हैं, एक तो ये कि लॉस को प्रॉपर डिफाइन करो, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे जो अपनी साइकोलॉजी है, जो एंट्री है, उसमें टारगेट को बड़ा करो। रिटेल इन्वेस्टर की जो ज़्यादातर गलती है, सभी लोग जानते भी हैं कि हमें टारगेट से हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लॉस से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। दैट इज़ वेरी बैड थिंग, क्योंकि टारगेट से कंप्रोमाइज़ वो कर लेंगे, 1,000 मिल रहा था, 200 मिल रहा तो तुरंत निकल जाएंगे, अगली अपॉर्चुनिटी तुरंत ढूंढने लगेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस की अगर हम उसकी बात करें, लॉस की, तो जब लॉस में चल रहा होता तो वो इमोशंस आ जाता कि नहीं अभी हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ आपको प्रॉफिट बनने नहीं देगी, क्योंकि आप 1,000-2,000 में निकल जा रहे हो, लॉस आपका अचानक से ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर एक्चुअल बात किया जाए तो जो भी सफल ट्रेडर हैं वो लॉस पे अपने ज़्यादा फोकस करते हैं, लॉस पे काम करते हैं कि हमारा लॉस जो है तो मिनिमम हो, बाकी प्रॉफिट हमें मैक्सिमम लेना है। तो ये दो चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मार्केट लाइव आपके सामने चल रही है, और हमारा जो टारगेट है, टारगेट दो गुना ही लेंगे। यहाँ पे जैसे कि अभी 200 के आसपास गया था, तो यहाँ पे हमें 500-550 तक गया था प्रॉफिट, 20-22 पॉइंट मिल रहे थे, 1:1 तो मिल रहा था। लेकिन मैं उस वीडियो में भी यही बात बोला था कि अगर आज हम गलती करेंगे, देखो ट्रेडर ये सोचता है कि आज लुका छुपी करके आज हम अपना काम बना ले, आज हम यहाँ से अच्छा पैसा बना ले, कल की कल देखेंगे, तो ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम करेगी ना। आज की गलती जो है वो कल के लिए मुसीबत बनने वाली है। तो आज हम यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, यहाँ पे हम रिस्क पैसा दे करके अगर चले जाएंगे तो कल भी हम वेट कर पाएंगे अपने टारगेट के लिए। आज हम यहाँ पे अगर हम छोटे लॉस में ऐसे उल्टा सीधा कुछ ट्रेड में गड़बड़ करके निकल गए तो कल भी जब हम करेंगे तो हमें वही प्रॉब्लम होगी कि अगर टारगेट भी आ रहा होगा तो भी हम जल्दी निकल जाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये फिक्स करने के लिए आपको सिंपली प्रैक्टिकली इसी तरीके से करना होगा। 20,000-25,000 रुपये अपने अकाउंट में डालिए और ये सोचिए कि हम ये ट्रेडिंग के लिए दे रहे हैं, और इसी से एक एक क्वांटिटी करिए। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो एक क्वांटिटी करिए, प्रॉफिट हो लॉस हो उसको बंद करिए, साइकोलॉजी पे फोकस करिए, ट्रेड को डिफाइन करिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट दो गुना रखिए। इस तरीके से जब आप अपने आप को डिसिप्लिन में लाने के लिए कोशिश करेंगे, एक डिसिप्लिन बिल्ड करेंगे, तो ये मार्केट आपको अच्छा प्रॉफिट देने लगेगी। रैंडमनेस बहुत ही बुरी है, क्योंकि रैंडम आपने कभी अच्छा प्रॉफिट भी कमा लिया तो रैंडम में उससे ज़्यादा लॉस भी हो जाता है। तो हार्ड डिसिप्लिन के लिए आपको यही सोचना है कि हम अपने कमिटमेंट को बीच में नहीं तोड़े। कोई भी ट्रेडर देखो सफल है तो वो कमिटमेंट को नहीं तोड़ता है, क्योंकि अगर वो जानता है बार बार हम अपने कोई कमिटमेंट की तोड़ दी तो मार्केट उसको तोड़ देगी। तो इसलिए जो आप सोच समझ के करो और उसके हिसाब से करो। तो अभी देखिए हमारा यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस कभी 200-300 ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम स्टिल वेट करते हैं कि ये क्या, ये यहाँ पे अभी तो एकदम से मोमेंटम तो हो नहीं रहा है,
हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करे, चौपी करे, उसके बाद में यहाँ पे कोई डाउन साइड में प्राइस एक्शन बने, लेकिन हमारे पास पावर है पिवोट की, तो इसलिए थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस है कि पिवोट नीचे है, ट्रेंड बुलिश है, तो हो सकता है यहाँ पे इस लेवल तक भी जाएगा तो हमारा 800 प्लस में टारगेट आ जाएगा। दोस्तों बस आपको ये सोचना है कि जब भी आप मार्केट में आओ एंट्री करो, एंट्री जब भी आप करो तो एंट्री करो बहुत सावधानी से, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि लोग गड़बड़ एंट्री करके बार बार स्टॉप लॉस देते हैं। तो एंट्री आप सावधानी से करो, और चाहे जितनी सावधानी से आप एंट्री करोगे तो उसमें भी गलतियां होंगी, तो उसका उपाय जैसे मैंने बताया ना छोटा स्टॉप लॉस, लेकिन जब एंट्री ही लोग गलत देते हैं, भाग रहे, ले लिया, क्या लॉजिक था, कुछ नहीं, क्या स्टॉप लॉस बन रहा है वो भी कुछ नहीं। दूसरा चीज़ है कि स्टॉप लॉस भी आपको देखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा। अब मान लीजिए कि किसी ने 90 पे यहाँ पे गई थी, अब 90 पे किसी ने बाय किया होगा, अगर वो यहाँ पे स्टॉप लॉस 60 है इसके नीचे लगाएगा तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा। अब यहाँ पे बाय करके वो फंस गया, अब या तो फिर उसको यहाँ पे 60 पॉइंट का टारगेट मिले, तो ये प्रोबेबिलिटी मार्केट में है नहीं है, स्ट्रेंथ आएगी नहीं आएगी कैसे पता। और फिर अगर आपने यहाँ पे छोटे प्रॉफिट में निकालना शुरू कर दिया तो जिस दिन स्टॉप लॉस होगा तो बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस को फिक्स करो, फिर टारगेट को खुला छोड़ दो, ये जो रूल है ये सबसे अच्छा है। तो ये सिंपली लाइफ इतना अच्छा चल रहा है, इसमें कोई ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको दिख रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट को थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाए, शांत हो जाए। तो आप मॉर्निंग साइड में देखो कितना चौपी मार्केट चलती, ऊपर गई नीचे गई, तो उसमें कोई क्लियर प्राइस एक्शन बनाता ही नहीं है। तो अगर कहीं पे भी प्राइस एक्शन बनाए तो वहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो और अपने ट्रेड के स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रेड को डिफाइन कर सकते हो। तो दोस्तों स्टिल वेट करेंगे और थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं, क्योंकि जैसे ही कैंडल आगे बनेगी तो उसके हिसाब से हम आपको अपडेट करेंगे। देख सकते हैं कि मार्केट स्टिल वैसे ही चल रही है, कभी 100-200 प्रॉफिट, कभी 100-200 लॉस, इसी के हिसाब से चल रही है। और एक चीज़ आप नोटिस यहाँ पे करिएगा, तो देखिए अभी स्विंग को ये कोई ब्रेक नहीं कर रहा, अगर हम इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से बात करें तो टेल को भी आप देखिए तो लोअर लो टेल को भी ये ब्रेक नहीं कर रहा, लेकिन जो ये पिवोट लेवल है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पिवोट जब भी मार्केट गैप अप खुलेगी अगर पिवोट पे जाएगी तो वहाँ से घूम सकती है, या फिर नीचे खुलेगी तो एक पिवोट तो जाएगी तो वहाँ से भी टर्न हो सकती है। जैसे क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है, वैसे पिवोट की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो चीज़ आपके माइंड में रखना चाहिए। उसी हिसाब से मैंने इसको बनाया है, इस पोजीशन को बनाया है। अब यहाँ पे देखिए मोमेंटम अगेन आना शुरू किया है, पे बनाया था प्राइस जब मेरे हिसाब से आ रहा था, देखो इस पे हमने पोजीशन को बनाया था आपके सामने इस पे, क्योंकि ये प्राइस यहाँ से आ रहा था। और ये जो कैंडल होती है रीटेस्ट वाला मैंने पार्ट बताया ना कि इसकी जो बॉडी की क्लोजिंग देखो, एक हमने लेसन आपको पढ़ाया था कि ग्रीन और रेड कैंडल को पहचाने, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो इसकी बॉडी के बीच में ही क्लोजिंग दी है। तो इसी कैंडल पे हमने पोजीशन बनाया था और इसके नीचे हमने स्टॉप लॉस, हालांकि जो इसका लोअर लो स्टॉप लॉस हमने सोचा था वो ये सोचा था कि मार्केट में अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगी तो फाइनली यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। तो देखिए दोस्तों मोमेंटम यहाँ पे आया है और मार्केट अभी 700 के आसपास प्रॉफिट गया था, तो इसी तरीके से बस देखिए लॉजिक को डिफाइन करना है। निकल जाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे रिजेक्शन मिले, या लोग यहाँ पे बाई जो सेलर इस कैंडल में आएंगे निकल जाएंगे तो हो सकता है रिजेक्शन मिले, लेकिन अपना कम से कम जैसे कि डिसाइड है ना 800 प्लस में होना चाहिए, 20 पॉइंट के हिसाब से 40 पॉइंट हो जाए तो यहाँ पे ठीक है। ठीक है, बोला कि प्रीमियम बहुत ही छोटा है तो जो एंट्री थी उसके हिसाब से तो मार्केट अभी 30 पॉइंट के ऊपर चली गई। वेट करते हैं और यहाँ पे जैसे कि हमने बताया ना कि अभी ये ट्रेंड लाइन को तो नहीं ब्रेक कर रहा, अब इस तरीके से अगर आप ड्रा करिए तो देखिए कि ये इसी पिवोट से इसी ट्रेंड लाइन के सहारे चल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसके नीचे भी नहीं आ रहा। देखिए क्या है कि इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, अगर यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा तो कोई बात नहीं स्टॉप लॉस दे देंगे, लेकिन अगर इस स्विंग को ये अगेन यहाँ पे ब्रेक करने में सफल हो जाता है तो हमें यहाँ पे एक अच्छा टारगेट और अच्छा टारगेट मिलेगा, जैसे 1000, 1200, 1300 उस हिसाब से वहाँ पे टारगेट हमें बुक करेंगे। लेकिन देखिए बहुत ही पैनिक सेलिंग यहाँ पे की गई है, यहाँ पे जो बायर आए थे यहाँ पे इस लेवल पे बहुत ही देखिए टेल देखिए सीधे नीचे चली गई। ठीक है, तो जब इस तरीके की सिचुएशन आप मार्केट में देखते हो तो आपको अपने आप को वहाँ पे सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर क्वांटिटी आप ले लोगे हैवी शुरुआती दौर में तो नहीं कंट्रोल होगी, क्योंकि वो बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखेगा एकदम एक स्विंग में, फिर तुरंत लॉस दिखेगा, तो आप वहाँ पे कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए सही तरीका है, इसके लिए आप बस थोड़ा सा अमाउंट रख लीजिए और इस तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप प्रॉफिटेबल जोन में भी चल रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब लोग अभी लॉस में ही चल रहे हैं या सब लोग अभी लर्न कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रॉफिटेबल जोन में चल रहे हैं, तो उनको क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहिए, जैसे कि एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, फिर चार क्वांटिटी, छः क्वांटिटी, तो ये धीरे 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 हैंडल करोगे तो यहाँ से लेकर के आप 1000, 2000, 10000 तक भी चले जाओगे। ये चीज़ मेन है कि क्वांटिटी जो है आप क्या लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी को हमेशा कम रखिए
और प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करिए। जब ये साइकोलॉजी आपके अच्छे से बिल्ड हो जाएगी मन में, तब वहाँ पे आप अपने आप को क्वांटिटी को इंक्रीज करिए। जब तक ये साइकोलॉजी आपके मन में नहीं बिल्ड होती है तो वहाँ पे क्वांटिटी को इंक्रीज ना करें, और प्रॉफिट लॉस को बुक करते रहें, तो एक हैबिट जो है आपकी वो बदल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा पोजीशन क्यों बनाई गई है, और पोजीशन का लॉजिक भी हमने बता दिया कि पिवोट पे सपोर्ट था, सेलर ट्रैप हो गए थे। अब यहाँ पे देखिए जो है ये लेवल खतरा दे सकता है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन भी हो सकता है, और यहाँ से अगर ये एक स्विंग को क्रॉस करता है तो मज़ा आ जाएगा। तो फिर एक हमें जो टारगेट है वो बड़ा टारगेट मिलेगा। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि अभी 600-700 चल रहा है, 200-300 अगर और ऊपर भाग जाता है तो हमारे लिए अच्छी सिचुएशन होगी, क्योंकि इस हायर हाई को स्विंग को ब्रेक करेगा तो जो स्टॉप लॉस होंगे तो वो बाइंग करेंगे, तो झटके में अगर इस रेड वाले के आसपास यहाँ चली जाती है तो इधर हमारा 1000 प्लस यहाँ पे दिखाने लगेगा। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि जो हमने एंट्री डिफाइन की उसके 2x तो आ जाए। तो 700 रुपये भी चल रहा है, 690 से 700 रुपये चल रहा है, और इसी के हिसाब से आपको ट्रैक करना है। देखिए, आप इसके लिए कर सकते हैं कि एक बजे के बाद में आप एंट्री को कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन बने, जैसे सेलिंग वाले में मैं कंफ्यूज था, यहाँ पे सेलिंग वाले में मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग हो रही थी, तो यहाँ पे मैं सेलिंग का कोई प्लान नहीं कर पाया, क्योंकि ना कोई पॉज लिया, ना कोई रिटेस्ट हुआ, ना कोई यहाँ पे फार्मेशन बना, तो आई एम स्टिल कंफ्यूज। मुझे लगा कि यहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए, यहाँ से लेना चाहिए, लेकिन वो देख रहे हैं कोई बुलिश कैंडल नहीं बन रही और मार्केट स्टॉक गिर रही लगातार। जो टारगेट था लगभग यहाँ पे 10 तक चला गया था, मैं बात कर रहा था लेकिन टारगेट जो 900 शो किया था। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं, वेट कर रहा हूँ कि अगर ये इस वाले स्विंग को या यहाँ पे एक बार निकाल पाया फोर्स में। क्या होता है कि जब कोई फोर्स में मोमेंटम होता ना, तो आपका प्रीमियम बहुत ही अचानक से भाग जाता है। तो वहाँ पे है, वहाँ पे स्टॉप लॉस मिलेंगे। तो जो मैंने इस जगह पोजीशन बनाया था, जो सोच के यहाँ पे जब मैंने ट्रेड लिया था, तो मुझे लगा था कि ये इस लेवल तक जाएगा, ऑलमोस्ट उस लेवल तक गया। निकला मैं क्यों नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक और स्पाइक मार देता ऊपर, क्योंकि मार्केट में ये जो सब होता है ना, नीचे आने लगता, वो आता वाता नहीं है जल्दी। क्या होता है कि वो जो बायर है उनको ट्रैप किया, फिर हायर हाई तोड़ दिया, फिर ट्रैप किया, फिर हायर हाई तोड़ दिया, तो इसलिए है। लेकिन ये रिजेक्शन पॉइंट है, तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं, ये कैंडल देखेंगे। अगर ये बेरिश कैंडल बन जाती है तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे क्या होता है, अदरवाइज अभी थोड़ा सा मैं वेट करना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट करते हैं, देखते हैं कि ये सीधा रिजेक्शन जाएगा और स्टॉप लॉस होगा, या एक बार हमें और मार्केट मौका देती है। तो देखिए, इस तरीके से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर अभी भी ये जाके हमारा स्टॉप लॉस या यहाँ कहीं पे जाएगी, तो हम अच्छे से प्रेम से स्टॉप लॉस को भी ले लेंगे, फिर हम कल करेंगे तो इसके 2 या 2.5 गुना वहाँ पे प्रॉफिट रखने की कोशिश करेंगे। आप अपने माइंड में आपको ये सोचना है, लाइव ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी यही होती है कि स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करने की भावना रखो हमेशा, कि अगर होता है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, हम यहाँ पे इरिटेट नहीं होंगे या कुछ ऐसा मार्केट के साथ में नहीं करेंगे व्यवहार कि जो निगेटिव हो हमारे कल के लिए। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन है, और अगर यहाँ पे ट्रैपिंग हो गई होगी, रिजेक्शन हो गई, कैंडल बेरिश बन रही है, और यहाँ पे इसका अब रिजेक्शन बनेगा तो ये अगेन कंटिन्यू करेगा, पुट गिरेगा, क्योंकि नीचे आया, अब ये ऊपर जा रहा है। अगर अब यहाँ पे रिजेक्शन लिया तो ये कंटिन्यू करेगा। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे अगर ये इसका ये रिजेक्शन का अगर ये सपोर्ट जैसे अभी लेने कोशिश कर रहा, जहाँ से रिजेक्शन हुआ उसको ब्रेक किया, उसको सपोर्ट ले रहा, तो जो हमने सोचा था ना एक बढ़िया मोमेंटम, वो हमें मिल जाएगा। तो ये चीज़ बस यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में होने वाली है, वो ये है कि मार्केट में ये लेवल अब सपोर्ट का काम करेगा जैसे अभी बता रहा हूँ, और ये लेवल जो है तो ये रिजेक्शन का काम करेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि ये सीधे सीधे निकल जाता है फ्लो में, फिर बड़ा बड़ा कैंडल बनाता है, या यहीं से टर्न होता है और ये यहीं से टर्न होता है। तो अभी भी मैं स्टॉप लॉस के लिए रेडी हूँ दोस्तों, और ये इसी तरीके से आपको सोचना चाहिए। ज़्यादा मतलब आप माइंड नहीं लगाओ ट्रेडिंग में, जितना ज़्यादा आप माइंड लगाओगे, जितना पैनिक सोचोगे, उतना ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए सिंपल करो ट्रेडिंग को, बिल्कुल सिंपल करो, जैसे मैंने आपको बताया ना, एकदम जैसे सिंपल तरीके से। जो अब देखिए यहाँ पे वही रिजेक्शन भी ले रहा, अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक प्राइस गया था, और उसके बाद देखिए फिर रिजेक्शन लेने लगा। ये यहाँ पे देखिए, सॉरी, ये वाला जो स्विंग था यहाँ पे, इसके नीचे गया था लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया, फिर अब रिजेक्शन लेने लगा। तो ये मार्केट है, अब इसमें क्या है कि नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। देख सकते हैं कि मार्केट वैसे ही बिहेव कर रही है, थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम हुआ था, फिर यहीं पे भी चल रही है, और 400-500 के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा है। तो देखते हैं अभी क्या होगा, लेकिन आपके लिए लर्निंग बस यही है, मैं इसीलिए ऐसे वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब एंट्री को डिफाइन करो उसके बाद स्टिल वेट करो। अब इसको पूरा वीडियो आप देखिएगा, इसमें मैं स्टॉप लॉस दूंगा, टारगेट दूंगा, क्या साइकोलॉजी रहेगी, और जैसे कि ट्रेड जो हमने बनाया क्यों बनाया, सारी चीज़ें मैंने गाइड की हैं। तो आप अपना माइंड लगाओ।
तो ये बस इसी तरीके से सोचना है। अभी इसमें कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता है, और अभी जो है तो 2:49 हो चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 10-15 मिनट में आ जाए टारगेट। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं आपको समझाता हूँ, मार्केट तो चली रही है, देखिए जब हम प्रॉफिट में हैं तो हम वेट कर रहे हैं, ठीक है, अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर हम लॉस में होते, ठीक है, ये वीडियो बना रहे हैं और जैसे ही हमारी लिमिट लॉस की क्रॉस करता तो वहाँ पे हम तुरंत अपने पोजीशन को एग्जिट कर देते। तो ये जो साइकोलॉजी है आपको प्रॉफिटेबल रखेगी। अब हमारा यहाँ मोमेंटम आने वाला पहले बात नहीं करते हैं, पहले पे हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का प्लान कर लेते हैं, क्योंकि अगर अब की बार ये रिटर्न हुआ तो मे भी हमारा फिर टारगेट आए ना आए, मार्केट का टाइम भी हो रहा। तो कहने मतलब यही है कि आपको दो चीज़ें हैं, जैसे अभी मैं प्रॉफिट साइड में हूँ तो मैं इतनी देर वेट कर पा रहा हूँ। आप लोग की गलती ज़्यादातर ट्रेडर की होती है कि लॉस साइड वेट करते हैं, लॉस साइड तो आपको वेट करना ही नहीं चाहिए, जो आपने सोचा उसके नीचे तुरंत आप वहाँ पे निकल जाओ। और प्रॉफिट अगर हो रहा है तो वहाँ पे आप वेट कर सकते हो, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में स्टॉप लॉस ट्रायलिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट था लगभग आ चुका है, 870-80 आ रहा फ्लो फ्लो में, तो यहाँ पे हमें निकल जाना चाहिए था क्योंकि ऊपर एक लेवल भी है। और थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ, 800-900 तक गया था, अब यहाँ से रिजेक्शन ना लेने लें तो बहुत ही मूड खराब होगा, क्योंकि बड़ी धीरे धीरे ट्रेड आया जैसे हमने बताया ना बाई साइड में। लेकिन एंट्री दोस्त बहुत अच्छी डिफाइन की थी और मज़ा आ गया एंट्री में, एंट्री डिफाइन की थी और हमारा जो सोच थी वो भी सही हुआ है। तो ये वहाँ पे अगेन रिजेक्शन ले रहा है और जैसे आप देखेंगे कि टारगेट तक गया था, मैं यहाँ पे नहीं एग्जिट कर पाया, तो अभी मैं थोड़ा और वेट करूँगा क्योंकि हो सकता है कि एक बार यहाँ पे ये हायर हाई के आसपास आए तो अबकी बार नहीं चूकेंगे। आपको भी यही ध्यान रखना है कि जब आपकी प्राइस आ जाए, टारगेट जो आपने सोचा आ जाए, तो वहाँ पे फिर नहीं चूकना चाहिए, या तो फिर क्लियर मोमेंटम हो रहा हो। अब यहाँ ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश भागी जा रही है तो वेट करो, तो ये चल भी बहुत धीरे धीरे रही है, क्लोजिंग का भी समय आ चुका है। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि अपना टारगेट भी है तो एग्जीक्यूशन वहाँ पे बनता है। अब इंडेक्स तो भाग रही है लेकिन ये कॉल नहीं इतना भाग रहा है, तो ये चीज़ है। यहाँ पे देखते हैं, 800 प्लस गया है अब की बार, और 842 840 तो यहाँ पे अब हमें निकल जाना चाहिए दोस्तों। अब जब आप कल ट्रेड करेंगे तो आपको कल भी ये ध्यान देना है कि हमें 500 से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। कल जब आप ट्रेड करेंगे तो भी आप ध्यान देंगे कि 500 से ज़्यादा आपको नहीं देना है, और उसके बाद जो हमारा टारगेट होगा तो ज़्यादा होगा। अब टारगेट हमारा यहाँ पे 896-900 के आसपास आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको अब एग्ज़िट कर देता हूँ, क्योंकि अब की बार अगर ये रिजेक्शन लेगा तो यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन को क्लोज कर देता हूँ। रीज़न ये है कि अब समय भी नहीं है, और यहाँ पे एक चीज़ जो ये है प्रॉब्लम है, हो सकता जाए क्योंकि प्रीमियम इतना नहीं बढ़ रहा है, और जबकि आप इंडेक्स देखिए तो बढ़ गई। जो हमने ली है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि छोटी सी कैंडल पे यहाँ पे ली है, और इसको आप देख सकते हैं ये इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल के बारे में भी मैंने पढ़ाया है। अब इसका ये ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉप लॉस हमने एक ये माना था, फाइनली स्टॉप लॉस ये माना था। कहने का मतलब ये था कि ये था 13 पॉइंट का, क्योंकि 72-73 पे एंट्री थी, 160 का स्टॉप लॉस था। अगर यहाँ पे 4 पॉइंट नीचे जाता तो इस वाले नीचे प्रॉपर में यहाँ पे एग्जिट कर देता। कभी कभी क्या होता है कि जो लेवल आपने डिफाइन किया है वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 2-3 पॉइंट नीचे जाएगा, फिर वहीं से मोमेंटम दे देगा। तो इस चीज़ को आपको एक्सपीरियंस करना होगा कि जहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाते हो वहाँ पे 1-8 पॉइंट के लिए आप वहाँ पे करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे वेट करो, लेकिन वहाँ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जहाँ पे हंट होता है वहीं से घूम भी सकती है। तो ये थोड़ा सा माइंड में था, तो ये पीओट है इसलिए यहाँ पे पोजीशन को बनाई थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रहा है। मैं निकल गया नहीं, अभी तो 150 रुपये और भी ऊपर गया, निकल इसलिए गया क्योंकि अब समय भी होने वाला है और हमारे जो ये स्टॉप लॉस थे यहाँ पे, ये सारे स्टॉप लॉस हो चुके हैं। अब हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के थोड़ा ऐसे ऐसे जाकर क्लोजिंग दे, तो वो मैटर नहीं है। तो वोलेटिलिटी को बर्दाश्त करें। बहुत कमेंट आते हैं कि सर वोलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं होती है, तो एक क्वांटिटी में कर रहा हूँ। आप इसमें देखेंगे, आपने पूरा वीडियो देखा होगा, तो इसमें वोलेटिलिटी बर्दाश्त हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो है तो आपको कोई ज़्यादा लॉस होने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा अप साइड में फिर भी व्यवहार कर रही है, तो अच्छी बात है, मार्केट अपने फेवर में जा रही है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि यहाँ से अगर रिजेक्शन ले लेती तो फिर हमें टारगेट लेने में बहुत दिक्कत हो सकती थी, तो वो सब हमारा विषय नहीं है कि बाद में क्या होगा। आपने ये सोचा और इसके हिसाब से आपने टारगेट को डिफाइन किया और वहाँ पे जो है तो अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जब भी हम स्टॉप लॉस होगा, ऐसा नहीं कि मैं
यहाँ पे करूँगा टीचिंग तो प्रॉफिट ही होगा डेली। तो जब स्टॉप लॉस होगा ना तो उसमें आप देखेंगे कि मैं 400-500 से ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन जब भी हमारा प्रॉफिट होगा तो 400 के दुगनी 800, 1000, 1200 अगर ये फ्लो में चला जाता, क्योंकि मैं कई बार यहाँ से आया तब भी मैंने वेट किया, यहाँ से जब ये लौटा तब भी वेट किया, यहाँ पे भी थोड़ा वेट किया। लेकिन ये फ्लो में कभी कभी क्या है कि इतना मोमेंटम, मॉर्निंग में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ऊपर साइड में, तो वो आपको पता नहीं होगा कभी कभी, तो रैंडमली आपको बहुत ज़्यादा टारगेट मिल जाएगा अगर आप साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं।